और अब आइए शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज है फैसले का दिन। शुरुआत करेंगे वाराणसी की खबर के साथ, क्योंकि ज्ञानव्यापी श्रृंगारगौरी मामले में आज फैसला आना है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर लिए हैं। केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आज फैसला आएगा और फैसले को लेकर वाराणसी में अलर्ट है। धारा 144 लागू कर दी गई है और दोनों पक्षों से सामाजिक सौहार्द बनाने की भी अपील की गई है। खासतौर पर आपको याद होगा कि हिंदू पक्ष की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होना था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और ऐसे में सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क दिए गए कोर्ट के भीतर, लेकिन ये पूरा केस सुनने योग्य है या नहीं, आज इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। आज सबसे बड़ा इंसाफ, ज्ञान वापी का रास्ता साफ, ज्ञान वापी का पक्का सबूत, हारेगा हर झूठ। जब फैसला आएगा फव्वारा गैंग भागेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद आज खत्म होने की उम्मीद है। सबकी नजरें वाराणसी जिला जज कोर्ट के फैसले पर टिकी है, जिसमें तय होगा कि श्रृंगार गौरी का मामला सुनवाई योग्य है कि नहीं। आज के फैसले पर ही ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद का भविष्य भी टिका हुआ है। अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा तो इसे जीत की पहली सीढ़ी मानी जाएगी। अदालत का फैसला आने से पहले वाराणसी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, पुलिस अलर्ट मोड पर है, सोशल मीडिया पोस्ट और पूरे शहर पर कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाके के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी जिहादी गैंग की भड़काऊ साजिश को नाकाम किया जा सके। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1993 से पहले तक मस्जिद के कुछ हिस्सों में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पूजा होती थी और इस ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा ढांचा मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। विवाद इतना बढ़ा कि इस कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गयी। मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदला नहीं जा सकता। साथ ही 1991 के विशेष उपासना स्थल कानून के तहत कमीशन की कार्यवाही को भी गलत बताया। जून के आखिरी हफ्ते से लगातार इस मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों की ओर से दलीलें पेश की जा रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद ज्ञानवापी मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस मसले पर फैसले को जिला जज ने रिजर्व कर लिया। आज जिला जज इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। ज्ञानवापी मामले में अदालत का फैसला मंदिर में पूजा अर्चना की मांग को एक नई दिशा देगा। देखना होगा कि पूजा के अधिकार की लड़ाई का भविष्य क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपाल का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, इस वक्त अगर बात की जाए तो प्रशासनिक तौर पर, जाहिर तौर पर अलर्ट पहले से कल से घोषित कर दिया गया था और कहा गया था सौहार्द बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन सबसे बड़ा दिन फैसले का आज, इस पूरे मामले को लेकर फैसला आज सामने आने वाला है। कितने बजे फैसला सामने आएगा, फिलहाल आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि ये है कोर्ट, जिला अदालत है और यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएं कि बेहद शांति है। लेकिन शांति सिर्फ यहाँ नहीं है, दरअसल पूरे ज़िले में हाई अलर्ट जारी किया गया और धारा 144 लागू कर दी गई है। बॉर्डर एरिया में चेकिंग चल रही है और तमाम जगहों पर खुफिया एजेंसियाँ काम कर रही हैं और एक एक गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर CCTV कैमरे के जरिए हर एक चौराहों की चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। किसी भी गतिविधि में यदि कोई संदिग्ध दिखता है तो तुरंत एक्शन के लिए पुलिस भी तैयार बैठी है। हर एक थाने में जो सभी थाना प्रभारी हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही अगर फैसले की बात करें तो आज बेहद बड़ा दिन है और ये फैसले का वक्त है। लगभग 31 साल बाद इस पूरे मामले में आज जो है वो फैसला आएगा और फैसला इस बात का होगा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर, जो नियमित दर्शन पूजन को लेकर 5 महिलाओं ने इसमें याचिका दायर की थी, क्या वो सुनवाई योग्य है या नहीं। और अगर इस मामले में अदालत का फैसला आता है हिंदुओं के पक्ष में तो इससे बहुत आगे का जो रास्ता है वो खुल सकता है, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार इसके बाद जो है वो कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा है, जो ढांचा है उसको
मिलाने की बात कर रहा है और उसमें पूजा के अधिकार की बात कर रहा है, जिसमें वहां पर कथित रूप से आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की बात कही गई है, यानी वहां पर एक शिवलिंग की बात की गई है, जिस जगह पर मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि वहां पर वजूखाना है जो ज्ञानवापी मस्जिद है। लेकिन देखना होगा कि जिला अदालत आज दोपहर 2 बजे जब ये बैठेगी तो यहाँ पर किस तरह के फैसले दिए जाएंगे, सभी की निगाह इसी बात पर टिकी है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो पूरे देखना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला आता है। जयपाल आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर ही मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वहां से आप तस्वीरें दिखाइए। और क्योंकि बहस पूरी हो चुकी है और दोनों ही पक्ष जो हैं अपने अपने दावों को लेकर यहां मजबूत नजर आ रहे हैं कि उनके हक में ही फैसला आएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज फैसले का दिन है और आज का जो दिन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सोमवार है और आज कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी कि ये वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता है या नहीं, मतलब मामला सुनने लायक है या नहीं है, क्योंकि लगातार इस पूरे विवाद को लेकर और सुनवाई जो है वो चलती रही, तमाम अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई। लेकिन आज वो दिन है जिसका सबको इंतजार है, आज कोर्ट 2 बजे के बाद फैसला सुनाएगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये जो पूरा मामला है ये पूरा उस परिसर से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो आदि विश्वेश्वर है या इसके साथ साथ जाए राखी सिंह बनाम तमाम जो मामला हो, इन सब चीज़ों पर आज कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का ये परिसर है और इसके ठीक बगल में मंदिर है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज का जो दिन है वो बेहद अहम है और इसको लेकर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था भी जो है चाक चौबंद रखी गई है। हालांकि रोज की तरह तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पुलिस का जो है चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई पड़ेगी, इसके साथ साथ CRPF फोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। तो ये फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है सबकी निगाहें कोर्ट पर लगी हुई हैं क्योंकि आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आज कोर्ट क्या कुछ कहता है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग बहुत दूर दूर से बनारस आए हैं उनको भी आज कोर्ट का फैसला क्या आएगा इस पर जो है कौतूहल है। हालांकि हिंदू पक्ष के अलग अलग दावे हैं, मुस्लिम पक्ष अलग दावे कर रहा है, तमाम तरह की दलीलें दी गई हैं, लेकिन उन दलीलों को ख़त्म कर जा चुका है कोर्ट में, अपना फैसला जो है रिजर्व रखा हुआ है। और आज ये कहा जा सकता है कि फैसले का दिन है क्योंकि अगर हिंदू पक्ष जीतता है तो ये जीत की पहली सीढ़ी जो है वो साबित होगी। और यही वजह है कि कल जिस तरह से जो हिंदू पक्ष के तमाम जो लोग दावे कर रहे थे।